हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, भ्रूणपोष से आशय होता है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करे। इसकी और विशेषताओं को समझेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि यह किस प्रकार से बनता है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम एक भ्रूण कोष को लेंगे। बीजांड के भीतर उपस्थित होता है। इसमें चेलाजा की ओर 3 कोशिकाएं होते हैं और 3 कोशिकाएं होते हैं बीजांड द्वार की ओर, जिसमें से 2 कोशिकाएं छोटे और 1 कोशिका बड़ा होता है। बीच में 2 केंद्रकों के मिलने से एक द्वितीयक केंद्रक बनता है। ये संरचना कहलाएगा भ्रूण कोष। यदि आप इसका विस्तार से वीडियो देखना चाहते हैं, तो इसके 2 वीडियो हमारे चैनल पर बने हुए हैं, एक बीजांड की संरचना और दूसरा भ्रूण कोष की संरचना। उसको देखकर आप समझ सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एक द्वितीयक केंद्रक, जो कि द्विगुणित होगा, और एक अंड मादा युग्मक, जो कि अगुणित होता है। अब देखिए, इसमें जैसे ही निषेचन के लिए पराग नलिका इसके भीतर प्रवेश करेगा और 2 नर युग्मक मुक्त कर दिए जाते हैं। ये दोनों नर युग्मक अगुणित होते हैं। अब इसमें निषेचन होगा तो एक नर युग्मक इस अंड के साथ जाकर जुड़ेगा और जाइगोट बनता है, और दूसरा नर युग्मक इस द्वितीयक केंद्रक के साथ जुड़ता है, जिसके फलस्वरूप भ्रूण पोष बनेगा। तो यहां पे अगला चित्र में इसको समझिए। इसमें देखिए, एक नर युग्मक इस अंड के साथ जाकर के जुड़ा है, दोनों अगुणित संरचनाएं हैं। इसके फलस्वरूप बनता है युग्मनज या जाइगोट, जो एक द्विगुणित संरचना है। दूसरा क्या होगा, देखिए, दूसरा नर युग्मक जाकर इस द्वितीयक केंद्रक के साथ जुड़ेगा, ये भी एक अगुणित संरचना है, और द्वितीयक केंद्रक एक द्विगुणित संरचना है। इसके फलस्वरूप एक त्रिगुणित संरचना बनता है, जिसको कहते हैं हम लोग भ्रूण पोष। इस तरह से तो देखिए, यहां पे बन गया युग्मनज और यहां पर बन गया भ्रूणपोष। लेकिन यहां पर जो पहला कोशिका बना है, इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसको आगे हम इस रूप में लिखेंगे, PEN, और यह त्रिगुणित संरचना है। यही आगे चलकर बार बार विभाजित होगा और उसके फलस्वरूप यह भ्रूण कोष पूरा भर जाता है और बन जाएगा भ्रूण पोष। एक चित्र और देखिए, इसमें देखिए, ये जो PEN कोशिका है, ये बार बार विभाजित होकर इस पूरा भ्रूण कोष के भीतर भर जाता है, और यहाँ पर ये जो युग्मनज विभाजित होकर ये भ्रूण बनाता है। तो ये हो गया भ्रूण, और यह हो गया भ्रूण पोष। तो इस तरह से यहाँ पर जो कोशिकाओं का समूह है, ये भ्रूण पोष कहलाएगा, और यह इस विकासशील भ्रूण को पोषण देता है। जैसे जैसे भ्रूण विकसित होते जाएगा, यह भ्रूण पोष धीरे धीरे समाप्त होते जाता है, और अंत में बीज बनने के पश्चात यह भ्रूणपोष समाप्त हो जाता है। हालांकि कुछ कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जिनमें भ्रूणपोष अंत तक बना रहता है, उनको आगे देखेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भ्रूणपोष एक पोषण ऊतक है,
यदि इसकी विशेषताओं को देखिए तो यह एक पोषण उत्तक है जो भ्रूण को पोषण देता है, और इसमें महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, उपस्थित होते हैं। और यदि इसका निर्माण कहें तो निर्माण त्रिकसल्यन की क्रिया के द्वारा होता है, और ये भी कह सकते हैं हम लोग कि इसका निर्माण प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से होता है, अर्थात यह PEN से बनता है। अब आगे बात करें अनावृत बीजी और आवृत बीजी। इन दोनों प्रकार के पौधों में जो भ्रूणपोष होता है ये अलग अलग तरह के होते हैं। यदि आवृत बीजी है तो उसमें भ्रूणपोष आवृत बीजी अर्थात एंजियोस्पर्म, इनमें देखें तो इनका भ्रूणपोष निषेचन के बाद बनता है। और त्रिगुणित होता है। जबकि जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी का लें, अनावृत बीजी में निषेचन से पहले बनता है और अगुणित होता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है आवृत बीजी और अनावृत बीजी पौधों में। आवृत बीजी का उदाहरण यहां पर देखिए इस तरह से बनता है इसमें, जबकि अनावृत बीजी में ये निषेचन की क्रिया नहीं होगा, इससे पहले ही भ्रूणपोष बन जाता है, इस कारण से अगुणित होता है। और इसमें तो आप देख ही रहे हैं कि यह त्रिगुणित संरचना है। अब इसमें एक चीज और, जैसे मैं बोला आपको कि कुछ बीजों में भ्रूणपोष बीज बनने के बाद भी बचा रहता है, ऐसे बीजों को कहते हैं भ्रूणपोषी बीज। जैसे नारियल में देखे होंगे, नारियल का उदाहरण तो सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें तरल भ्रूणपोष पाया जाता है। आप जो नारियल पानी पीते होंगे या नारियल में जो भीतर उसका जो गिरी है सफ़ेद रंग का जिसको खाते हैं, वो सभी भ्रूणपोष ही हैं और उसमें बीज उसके किसी एक हिस्से में रहता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि उसमें बीज बनने के बाद भी भ्रूणपोष रहता है, ऐसे बीजों को बोलते हैं भ्रूणपोषी बीज। और यहाँ पे भ्रूणपोष का कार्य होता है जब उसमें अंकुरण आएगा तो जब तक पत्तियाँ नहीं निकल आते तब तक उस अंकुरित बीज को पोषण देने का कार्य भ्रूणपोष करता है। तो एक इसका कार्य ये भी लिख सकते हैं कि विकासशील भ्रूण के पोषण के साथ साथ यह भ्रूणपोषी बीजों में अंकुरित होते हुए बीज को भी पोषण देता है। तो नारियल ले सकते हैं, मक्का ले सकते हैं इसका उदाहरण, गेहूं वगैरह सभी में भ्रूणपोष बीज बनने के बाद भी उपस्थित होते हैं। इसी तरीके जिन बीजों में भ्रूणपोष नहीं पाया जाता ऐसे बीज को अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं, जैसे लेग्यूमिनेसी या दाल कुल के जो पौधे होते हैं, चना ले लें, मटर ले लें, अरहर ले लें, इन सभी में भ्रूणपोष नहीं पाया जाता। तो ये कुछ सामान्य जानकारी हो गए। अब चलिए देखते हैं हम लोग कि भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं, और मुख्यतः भ्रूणपोष का प्रकार ये निर्धारित करता है कि इसमें किस तरह का विभाजन होगा। इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक PEN में किस तरह के विभाजन होते हैं उसके आधार पर भ्रूणपोष तीन प्रकार के होते हैं। आइए इसको समझते हैं। तो भ्रूणपोष तीन तरह के होते हैं। पहला है केंद्रकीय या स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूणपोष, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दूसरा है कोशिकीय भ्रूणपोष, सेलुलर एंडोस्पर्म। और तीसरा है हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष। ये सभी इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक PEN के विभाजन पर निर्भर करते हैं कि किस प्रकार का भ्रूणपोष बनेगा। यदि इसका सिर्फ केंद्रक का विभाजन हो, कोशिका द्रव्य का विभाजन ना हो, साइटोकाइनेसिस की क्रिया ना हो, तो इस प्रकार का भ्रूणपोष कहलाता है केंद्रकीय भ्रूणपोष। इसको चित्र के द्वारा समझिए। ये मान लीजिए पहले स्टेज का चित्र, ये दूसरे स्टेज का चित्र। तो यहाँ पर तो भ्रूण है ऊपर की ओर। यदि इसमें एक बार विभाजन हो तो दो केंद्रक बनेंगे, क्योंकि सिर्फ केंद्रक का विभाजन हो रहा है, कोशिका द्रव्य का नहीं, वाल का निर्माण नहीं होगा। दो से चार कोशिका बनेंगे, समसूत्री विभाजन हो रहा है, चार से आठ
8 से 16। इस तरह से बार बार समसूत्री विभाजन के द्वारा इसके भीतर सिर्फ केंद्रक का विभाजन होता है, कोशिका नहीं बन पाता। अगले स्टेज में देखेंगे तो यहाँ पे ये जो केंद्रक हैं, ये केंद्रक इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि बीच में एक रिक्तिका बन जाता है ऐसे, और ये केंद्रक सब परिधि में इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार का भ्रूणपोष कहलाएगा केंद्रकीय भ्रूणपोष। इसमें देखिए कहीं पे कोशिका नहीं बना हुआ है, सिर्फ केंद्रक का विभाजन हुआ है, तो इसीलिए इसको केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। हालांकि इसके अंत में यदि इसका लास्ट चित्र को देखें तो उसमें परिधि से केंद्र की ओर कोशिका का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इसके यदि एकदम अंत में देखेंगे तो इधर से ऐसे परिधि से केंद्र की ओर धीरे धीरे कोशिकाएं बनना प्रारंभ हो जाते हैं, अर्थात कोशिका द्रव्य का भी विभाजन प्रारंभ हो जाएगा। और अंत में देखेंगे तो यह सेलुलर हो जाता है, अर्थात कोशिका युक्त हो जाएगा। तो चूंकि इसके प्रारंभ में सिर्फ केंद्रक का विभाजन हुआ था, इसलिए इसको केंद्रकीय भ्रूणपोषी कहेंगे। ये इसका इम्ब्रियो। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण संरचनाएं, जैसे ये है इम्ब्रियो, ये सभी केंद्रक और यह वैक्यूल। और यह पॉलीपेटली समूह में पाया जाता है। पॉलीपेटली के सदस्यों में पाया जाएगा, जैसे कैप्सेला वर्सा पेस्टोरिस, इसमें इसी तरह का भ्रूणपोष होता है। और दूसरा प्रकार है कोशिकीय भ्रूणपोष, इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में केंद्रक के साथ साथ उसमें कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप इसमें कोशिका का निर्माण होते जाएगा। यह भ्रूण हो गया, ये देखिए दो भाग में बटा तो कोशिका द्रव्य भी बट गया, वाल का निर्माण हो गया, इसके कारण इसके भीतर दो कोशिका दिखाई दे रहे हैं। और आगे देखेंगे तो दो से चार हो जाएंगे। यहाँ पे भ्रूण, और आगे देखेंगे तो चार से आठ हो जाएंगे। इस तरह से विभाजित होकर इसमें कोशिकाएं भर जाते हैं। ये इम्ब्रियो, और ये कहलाएगा सेलुलर एंडोस्पर्म। इसका एक विशेषता और है, इसमें इन कोशिकाओं के बाहर चूसक कोशिकाएं भी पाए जाते हैं, जो बगल की कोशिकाओं से भोज्य पदार्थ को अवशोषित करके भ्रूण को पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इस तरह के इसके बाहर चूसक कोशिकाएं भी उपस्थित होते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष में। इसका उदाहरण आएगा गेमोपेटली। गेमोपेटली के सदस्यों में जैसे धतूरा हो गया, पिटूनिया अल्बा हो गया, इन सब में इस तरह का भ्रूणपोष पाया जाता है। और अंतिम है हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष। इस प्रकार के भ्रूणपोष में पहला विभाजन कोशिकीय प्रकार का होता है, लेकिन उसके बाद के अगले जितने विभाजन हैं वो सभी केंद्रीय प्रकार के होंगे, अर्थात सिर्फ दो कोशिका बनेंगे, उसके बाद प्रत्येक कोशिका में इस तरह से बहुत अधिक केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। तो इसमें इसका जब आप चित्र बनाएंगे तो उसमें आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि इसमें जो माइक्रोपाइल सिरा होता है, अर्थात जिधर भ्रूण होगा, उधर का कोशिका को आपको बड़ा दिखाना है, क्योंकि इसका जो विभाजन होता है उसमें माइक्रोपाइल सिरे का कोशिका बड़ा और जो चिलाजा सिरे होता है उसका कोशिका छोटा होता है। तो इस तरह से जब दो कोशिकाएँ बन गए, अब इसमें आगे का जो विभाजन है ये केंद्रकीय प्रकार का होगा। इसको यदि और देखें तो यहाँ पर
इसमें इस तरह से केंद्रकीय विभाजन होगा, नीचे की ओर भी केंद्रकीय विभाजन होगा। और अंत में इसी की भांति ये व्यवस्थित होकर बीच में रिक्तिका बना देते हैं और नीचे का जो चिलाजा सिरे का कोशिका है ये आकार में छोटा होते जाता है, इसको ये नीचे की ओर कुचलते जाता है। तो इसका साइज को आपको ऐसे छोटा करते जाना है और इसको भी थोड़ा ऐसे व्यवस्थित कर देंगे। इसमें भी इसी प्रकार का ऐसे केंद्रक व्यवस्थित हो जाते हैं और बीच में एक रिक्तिका बन जाता है। तो इस तरह का भ्रूणपोष ये कहलाता है हेलोबियल प्रकार का। ध्यान रखना है ये जो क्षेत्र है ये कहलाएगा माइक्रोपाइल चेंबर ये, और ये कहलाता है चिलाजा चेंबर। दो कोशिकाएं बन गए, उसके बाद इसमें कोशिकीय विभाजन नहीं होगा, सिर्फ केंद्रक का विभाजन होगा। और इसका नाम हेलोबियल भ्रूणपोष इसलिए पड़ा है क्योंकि यह एक बीजपत्री के अंतर्गत हेलोबियल वर्ग में पाया जाता है। हेलोबियल वर्ग के सदस्य जैसे वेलिसनेरिया, इन सब में इसी प्रकार का भ्रूणपोष होता है। तो इस तरह से आप तीनों प्रकार के भ्रूणपोष को समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल में नए आए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।